से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने बीजेपी नेता नित्यानंद राय से बात की और नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए बिहार और भारत की जनता ने जिंदगी भर के लिए आशीर्वाद दे दिया, यानी कि गठबंधन जो टूटा है उसके चलते नित्यानंद राय का नीतीश पर ये बड़ा हमला हुआ है। और नीतीश ने 1974 के शहीदों का भी अपमान किया, ये आरोप लगा रहे हैं नित्यानंद राय। 2024 भाजपा जीतेगी, 2025 में बाकी सभी दलों को साफ कर देगी। सुनिए, जो जिस बात को नीतीश जी कह रहे हैं और लालू जी कहते रहे हैं, उस विचारधारा यानी लोहिया को और जयप्रकाश को जी को धोखा दिया है। वह कांग्रेस जो इस देश की गरीबी का कारण है, इस देश को कमजोर बनाने की जो कांग्रेस की नीति रही है, देश की सुरक्षा पर, चाहे वह सीमा की सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चाहे किसी भी कल्याणकारी योजनाओं पर कांग्रेस जो 55-60 वर्ष तक सत्ता में जो फेल्योर रही है, और 1974 के आंदोलन में जितने नौजवान बिहार से लेकर पूरे देश में शहीद हुए थे, उस शहीदों के खून के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर। तो देखिए, इस वक्त लगातार बीजेपी के नेता हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर। पटना में 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। गठबंधन है उसका सुपड़ा साफ करा देंगे। धोखा देने वाले नीतीश जी और तेजस्वी जी, 43 विधायक उनका था, कितना कम विधायक था, तब भी बीजेपी ने उनको क्या बनाया? मुख्यमंत्री। अपने वचन को निभाया। वचन तोड़ने वाले, धोखा देने वाले नीतीश जी को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। धोखा देने वाले और वचन तोड़ने वाले को बिहार की जनता सबक सिखाएगी, कहना है नित्यानंद राय का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, पटना। आज लगातार एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। हर नेता यही आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार पर कि उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी के साथ धोखा किया बल्कि बिहार की जनता को भी धोखा दिया। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का, जो पटना में बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये 3 दिन तक चलेगा। और रवि, हर किसी का एक ही सुर है आज। जिस भी बीजेपी नेता से आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में जेडीयू का सुपड़ा साफ कर देंगे और ये एक मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अब वो अपनी साख जमा ले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, चूंकि इन्हीं के जिम्मे में है सारा संगठन को मजबूत करना और सड़क पे लड़ाई लड़ना। संजय जायसवाल जी, बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग अलग थलग पड़ गए, सारी पार्टियां एक तरफ है, आप एक तरफ है, क्या होगा 2024 में और क्या होगा 2025 में? जब हम अपने बल पर लड़े थे तो हम पिछले बार 32 सीटें जीते थे और इस बार हम 36 सीटें जीतेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बिहार में जो कुछ भी हो रहा था, वह कहते हैं दबाव में थे, वो पिछले कुछ महीनों से किस बात के दबाव में थे? अगर जहरीली शराब से मौतें होंगी तो क्या हम पूछेंगे नहीं कि क्यों हो रही है, भाई इसको कंट्रोल कीजिए। हम बार बार उनको समझाते थे कि जितने भी शराब में माफिया तत्व हैं, यह सब राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे हैं जो अब माफिया बन के शराब का व्यवसाय कर रहे हैं, आप इन सबको पकड़वाइए। तो उनको लगता था कि वो हम दबाव डाल रहे हैं। विगत 5 महीनों में जिस तरह से हर शहर में हत्याएं हो रही थी, लूट हो रही थी, अगर हम इसकी चर्चा करते थे तो हम अपने मुख्यमंत्री से इन सब बातों की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या योगी जी से जाके चर्चा करेंगे? और जब हम इसकी चर्चा करते थे तो उनको लगता था कि हम दबाव डाल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री होता है एक तरह से गार्जियन होता है, और अगर बिहार में गड़बड़ी है तो सहयोगी दल के नाते हम उनके पास नहीं जाएंगे तो क्या हम किसके पास जाएंगे? तो यही उनको दबाव लगता था। आज विश्वासघात दिवस आप लोग मना रहे हैं, आगे क्या रोड मैप रहने वाला, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? क्योंकि गठबंधन उनका है, आरजेडी और समाजवादी, मतलब नीतीश कुमार का गठबंधन है, किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे? बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। वह पहले राउंड और दूसरे राउंड का रिजल्ट देखिए, लगभग हम साफ हो चुके थे। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आगमन करते हैं और एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं करते हैं, उसका नतीजा यह निकला कि हम तीसरे, चौथे, पांचवें फेज में पूर्ण रूप से स्विच किए, स्वीप किए, और उसके कारण बिहार में हमारी सरकार बनी।
और यह प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन पर जो एनडीए को वोट मिला उसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया और इस विश्वासघात को हम जनता के पास जाएंगे और जनता की अदालत में जो ये आदतन धोखेबाज हो गए हैं, अभी तो वह यह सोच रहे हैं कि उन्होंने जो 2008 में कागज दिया था तेजस्वी यादव के घोटाले का, जिस मॉल का कागज ललन सिंह जी ने दिया था बिहार के सबसे बड़े मॉल के आईआरसीटी घोटाले का, इन सब घोटालों का हमेशा हमसे पूछते थे कि क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है, यह तो खुला केस है। सर, कानून अपने ढंग से काम करता है हमारे यहाँ, और यह जब कानून अगर अपने ढंग से जब काम करने लगा तो इनको यह मौका मिल गया कि अगर भोला यादव और हृदयानंद जेल चले गए वह सब बात बोल देंगे, तो निश्चित तौर पर राजद से का परिवार जो है वह जेल चला जाएगा और हम पूरे राष्ट्रीय जनता दल को अपने में समाहित कर लेंगे, इस सोच के साथ वह गए हैं। तेजस्वी जी की मजबूरी हो गई है कि पहले तो वह मुख्यमंत्री के अलावा बात नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने जब ये सब गिरफ्तारियां हुई है तो उन्हें लग रहा है कि वह दिक्कत में पड़ जाएंगे, कहीं मजबूरी का मिलन है। बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री बनकर हम कानून से बच सकते हैं, तो ये एक दोनों का एक दूसरे को साधने का मिलन है। एक दूसरे को साधने का मौका मिला है, हम खोज करेंगे इन दोनों दलों को। लगातार कुछ इसी तरह के सुर आ रहे हैं हर भारतीय जनता पार्टी के नेता से, और मेरे साथ तीन खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस बुलेटिन में, उनका रुख भी कर लेती हूँ। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी नेता, अभिषेक झा जेडीयू नेता, और साथ ही प्रोफेसर विशाल मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक झा, मैं पहले आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी सुना बीजेपी के नेता दो बातें प्रमुख तौर पर कह रहे हैं, एक तो कि आदतन धोखेबाज हो गए हैं नीतीश कुमार, और दूसरा ये कि इस गठबंधन को मोदी के नाम पर वोट मिला था, आज आपने मोदी की ही पार्टी को चोट दे दी और आगे बढ़ गए। तो मोदी जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनवा देते अगर मोदी जी के नाम पर सिर्फ वोट मिला है तो। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ यही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले इस बात को जानती समझती है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अगर चुनाव नहीं लड़े तो चुनाव कभी नहीं जीतेंगे, तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। और बिहार की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि किस तरह से बीते विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के साथ विश्वासघात हुआ था, कॉन्स्पिरेसी हुई, किस तरह से चिराग मॉडल की स्थापना हुई, ढेर सारे उम्मीदवार हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं, और तब जाकर हमारे उम्मीदवार हारते हैं और हमारी सीटें कमाती है, सीटें कमाती है, तो ये दम भरते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। भैया, मुख्यमंत्री जनता बनाती है, कोई नेता नहीं बनाता है। लेकिन जनता ने, देखिए अभिषेक झा, ये भी सच्चाई है कि जनता ने जेडीयू को जितनी सीटें दी उससे ज्यादा भाजपा को दी, और भाजपा ने फिर भी मुख्यमंत्री पद के लिए जो वादा किया था नीतीश कुमार से वो पूरा किया। मैं एक बार बीजेपी के जो नेता है उनसे भी इसका जवाब लेना चाहूंगी जो आपने बात की। रामेश्वर चौरसिया जी, अब ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार जरूरत थे बीजेपी की बिहार में, या आपकी मजबूरी थे, और अब जब गठबंधन टूट गया है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि विश्वासघात किया? कहीं ना कहीं इसका अंदाजा आपको काफी समय से था, काफी सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं पहले दिन से ही अंदाजा था बीजेपी को। देखिए, जो जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं, आप यही बता दें इनको कि इनको किसी ने हरवाया, जब एनडीए में कोई नहीं रहेगा तो बाहर से तो चुनाव लड़ेगा। ये चिराग पासवान का नाम लेते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी तो इनके खिलाफ लड़े थे, तेजस्वी भी तो इनके खिलाफ लड़े थे, सब तो इनके खिलाफ ही लड़े थे हमारे एनडीए के। जो एनडीए का पार्ट नहीं होगा स्वाभाविक है वो चुनाव में जाकर के हमारे खिलाफ लड़ेगा। तो ये रोना जो रो रहे हैं चिराग मॉडल ए मॉडल, इनकी कमजोरी दर्शाता है। दूसरी बात, ये इतने ही मजबूत थे क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या था, मुख्यमंत्री तो थे ही, सवाल है कि कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, हमने घोषणा कर दिया है कि रहेंगे तो बीच में कैसे हटा देंगे, और मुख्यमंत्री ये थे। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि जनता मुख्यमंत्री का फेस लाइक भी नहीं कर रही थी, इसीलिए इनको 43 सीटें आया, हमको इनसे करीब डबल सीटें आया, तो इस सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये डूबता हुआ जहाज है जेडीयू, आपको बता दूं, अब इनका कोई भविष्य नहीं है। आगे अगर पार्टियां बच भी जाएगी तो सीधा लड़ाई राजद और बीजेपी के बीच में ही होनी है भविष्य में। अच्छा। लेकिन राजद के कुकर्मों के चलते देखिएगा नीतीश कुमार का क्या हालत होगा, 3 महीने के अंदर आप देख लीजिएगा। चलिए, भविष्यवाणी कर रहे हैं रामेश्वर चौरसिया, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर आप बिहार की राजनीति का भविष्य किस तरफ जाता देख रहे हैं? अब ये जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटे में, इसका आने वाले समय में बिहार की राजनीति में 2024 के चुनावों में क्या असर होगा? देखिए, ये जो कुछ भी बिहार का घटनाक्रम कल से दिख रहा है, ये राजनीति के शब्दों में अवसरवादिता है। आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं,
को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा, अपने कदमों की आहट से खुद पूछ लो। अपनी मर्जी से आए थे आप, अपनी मर्जी से उठकर चले भी गए। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहां से दोषी ठहराया जा रहा है। गठबंधन तोड़ने की शुरुआत, गठबंधन परंपरा को निभाने की अगर कोई सीख है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी उसके घटक दल थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गठबंधन तोड़ने की शुरुआत नहीं हुई। चाहे आप, मैं कल से देख रहा हूँ महाराष्ट्र की बात की जा रही है, फिर बिहार की बात की जा रही है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गठबंधन तोड़ने की शुरुआत नहीं हुई थी, सामने की तरफ से शुरुआत हुई थी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के पहले के जो कमिटमेंट थे उसको बनाए रखने की बात की। सेम चीज हर में होती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के पहले का जो कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी ने तो अच्छा सा पालन किया। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।